तो दोस्तों आज आप जानोगे स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसको स्टेनिंग करते हैं, फुल प्रोसीजर बताने वाला हूँ। पहले आप देखो कि आम लोग गलतियाँ करते कैसे हैं। कभी भी वो क्या करते हैं कि स्लाइड पे एक ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप लेने के बाद जो स्लाइड बनाने का उनका तरीका होता है, जो हाथ का एंगल होता है स्मेयर बनाने का, वो 20 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से जो स्प्रेड करते टाइम जो शेप नहीं बन जाता है, बन पाता है कभी भी स्लाइड का। देखो ये शेप कभी नहीं बन पाता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बनाओगे तो एक नंबर शेप बनेगा आपका। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक छोटा छोटा ड्रॉप ले लो और जो आपका एंगल होगा हाथ का ना, वो हाथ का एंगल कम से कम 30 और 45 के बीच में होना चाहिए, और फिर सामने की तरफ एकदम हल्के से पुश करके स्ट्रेस करो। देखो अभी इसका आप शेप देखो कैसा है। अभी चलो मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ, दूसरे का भी आप शेप देख सकते हो, बहुत ही बेहतर आएगा। देखिए अब ये छोटा ड्रॉप लिया था इसलिए इसका थोड़ा छोटा सा शेप बना है, लेकिन हाँ बेहतरीन है, क्योंकि कभी भी माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमको जो ये लास्ट का जो उसका टेल होता है वो टेल यूज में किया जाता है। तो इन दो स्लाइड में से हमें देखना है कौन से में माइक्रोस्कोपी के लिए बेहतर होगा। तो इसका टेल छोटा है तो इसको चलिए हम हटा देते हैं, और इसको ड्राई करने के बाद से लिस्मन स्टेन कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा जो दूसरा चैनल है टेक चैनल है, प्लीज़ आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर मुझे सपोर्ट करो। अभी देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद से अभी जो ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो पेशेंट का नाम, SID नंबर, वो सब लिख सकते हो। और नीचे जो ये टेल वाला भाग है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोस्कोपी करने के लिए, इसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आ गए हैं स्टेनिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको रख देते हैं एक स्टेबल जगह पे, और ये देख सकते हैं ये लिस्मन स्टेन का जो सोल्यूशन है इसको लेते हैं और स्लाइड के पूरे ऊपर तक हम डालेंगे। जो लिस्मन स्टेन का सोल्यूशन होगा उसको पूरे, देखिए अभी इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप पूरे पूरे स्लाइड के ऊपर हम रख देंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं, और लेने के बाद से इसको पूरा भिगो देंगे लिस्मन स्टेन से। उसके बाद से आप चाहे तो तुरंत उस पर बफर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए डायरेक्ट आप डाल सकते हो, या 3 मिनट लिस्मन रहने के बाद से आप 7 मिनट के लिए बफर डाल सकते हो। अगर आपके पास इनकेस लिस्मन बफर ना हो, उसके जब आप टॉप वाटर का भी यूज कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, होता है कंफर्म होता है, माइक्रोस्कोपी बराबर होती है उससे, ये मेरा मानना है, ये मेरा लॉजिक है। बफर जब आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो टॉप ऑर्डर होगा उसका। अब ये करने वाले से आप 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, जब तक स्टेन होता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ टेक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हुआ है। अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। अब टॉप वाटर को, टॉप वाटर का मतलब ये होगा कि जो ड्रॉप होगा, जो पानी गिरेगा वो हल्का हल्का गिरे, नहीं तो इसमें हमारा पूरा उड़ जाएगा। अब इसको हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसको ड्राई के लिए हम रख देंगे, जब ड्राई होगा फिर यूज करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखिए हम यहाँ पे ड्राई के लिए रख देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो में कम से कम मैंने 50 लाइक्स रखा हुआ है, 50 लाइक की वीडियो पर आना ही चाहिए आप लोगों की वजह से। अभी ड्राई करने के बाद से चलिए मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें अभी इसका WBC देखना है। तो WBC जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, 40x पे हमेशा WBC चेक किया जाता है, लेकिन जो सिर्फ ड्राई और स्टेन किया हुआ अगर माइक्रोस्कोप पे आप स्लाइड देखोगे तो आपको देखो कैसे दिखेगा, लेकिन मैं मैजिक बताता हूँ। उस आधार पे आप करोगे तो बहुत ईजी होगा आइडेंटिफाई करना कि WBC TLC DLC कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैंने 40x पे लगा दिया, लगाने के बाद माइक्रोस्कोप चालू किया, और चालू करने के बाद चलिए मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि आपको दिखता कैसे है। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप बताओ कैसे पहचान करोगे कौन सा WBC DLC DLC कैसे कर पाओगे, क्योंकि पूरा धुंधलापन दिखता है जब हम स्टेन के वो स्लाइड लेते हैं, क्लियर उस पर कभी दिख ही नहीं सकता। इसीलिए 100x पे इमर्सन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ये रीजन होता है। लेकिन 40x पे भी आप कर सकते हो, करने का जो तरीका वो बताता हूँ। आप क्या करो, एक छोटा सा ड्रॉप एक उस पर इमर्सन ऑयल का ले लो, इमर्सन ऑयल का छोटा सा एक ड्रॉप लेने के बाद से क्या करो, पूरे स्लाइड पे ऐसे स्प्रेड कर दो, जिससे हाथ में ऑयल वगैरह तेल वगैरह लगाते हो वैसे ठीक इसको पूरे ऐसे स्प्रेड कर दो। अब स्प्रेड करने वाले अब इसको हम क्या करेंगे 40x पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप मैजिक देखोगे कि कितने क्लियर आपको WBC और RBC यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 40x पे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इमर्सन ऑयल का इस्तेमाल 40x पे भी आप करो, लेकिन थोड़ा कम करो, जिससे कि आपको क्लियरिटी नज़र आए और क्लियर आएगा आपका स्लाइड देखने में। अभी देखिए, अब आप देखो
थोड़ी देर पहले बिना इमर्शन ऑल के आपको कैसे स्लाइड दिख रहा था, अभी कैसे दिख रहा था। आप 40x पे इजी तरीके से WBC आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से WBC आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला जो है नेक्स्ट वीडियो उसका आ जाएगा, या इसके पहले भी वीडियो है लेकिन इस टॉपिक पे एक और वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि TLC कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, मेरे सेकेंड चैनल पर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर आप सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वहाँ पर मुझे आप लोगों की सख्त सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हर फील्ड में WBC नोटफुल ये सारे दिख रहे हैं। अब मैं आपको 100x पे दिखाता हूँ, 100x पे इमोशनल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक ड्रॉप इमोशनल लिया और उसको क्या करेंगे हम 100x पे लेकर चलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस पर मैंने 50 लाइक इस वीडियो पर रखा है, कम से कम 50 लाइक तो आप कर ही सकते हो। 50 जन तो ऐसे होंगे ना कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो 100x पे इसको लेंगे, और लेने के बाद से चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कितना ज़्यादा और क्लियर आपको दिखेगा। तो चलिए मैं इसको सेट किया, फोकस किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो RBC, देख सकते हो कि RBC कैसे दिख रहा है। ये जो सामने आप देख सकते हो ये एक WBC है, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको ये न्यूट्रोफिल आपको दिख रहा है ये सर्कल में, और आपको चलिए कुछ और भी WBC में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 100x पे कितना क्लियर होता है। इस तरह से लिस्मन स्टेन हम करते हैं, स्लाइड बनाने का तरीका सबसे बेहतरीन है। आप ट्राई करो, एक बार में नहीं होगा मैं मानता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मोनोसाइड है, मोनोसाइड पहचानने का भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ये लेम्पो साइड है, और देख सकते हैं RBC, मतलब ऐसे फील्ड चुनाव करते हैं जिसमें ज़्यादा RBC दूर दूर ना हो और ना पास हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये न्यूट्रोफिल है, और इस तरह से आप पहचानने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट बनाते रहिए, मुझे दूसरे चैनल पे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे आप जाकर मुझे सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ से डायरेक्ट बातें हो जाएगी। प्लस मैंने एक हेल्पलाइन के लिए आपको एक ईमेल भी दिया है, वहाँ पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहो।